हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं आपकी बुक से अध्याय 5 में प्रश्नावली 3, जो कि आप लोग के बुक में पेज नंबर 138 में है। क्लियर है? अध्याय 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात और समानुपात, जिसमें हम लोग अनुपात का पोर्शन कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। और आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक है क्या? समानुपात। समानुपात से रिलेटेड ही क्वेश्चन आज और इस प्रश्नावली 3 में हम लोग डील करेंगे। तो वर्ड समानुपात का मतलब क्या होता है? हम लोग पहले ही सीख गए थे कि दो अनुपातों की तुलना को ही क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। मीन्स दो अनुपातों की तुलना तो कैसे लिख सकते हैं उसको? ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। ठीक है, ये दो अनुपात है, एक अनुपात बी और सी अनुपात डी। तो दोनों अनुपातों की जो तुलना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो समानुपात में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। क्लियर है? और इसमें देखो, ये समानुपात का साइन है, दो अनुपातों का तुलना हो रहा है, परिभाषा भी क्लियर है। अब यहां देखो, ये जो ये है, ये पहला पद हो जाएगा, बी दूसरा पद, और सिमिलरली सी तीसरा पद, तृतीय पद तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, चौथा मीन्स चतुर्थानुपाती, इसी को क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती। समानुपात है इसलिए चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, फिर और हम लोग क्या करेंगे? मध्यानुपाती। तीन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। कौन कौन सा? चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती से। तो चतुर्थानुपाती कौन है? चौथा पद। मीन्स हम लोग को तीन टर्म्स दे दिए रहेंगे, ये पहला दूसरा और तीसरा, और बोलेगा कि चतुर्थानुपाती क्या करो, तब हम लोग ऐसी इसी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। और अगला बोलेंगे तृतीयानुपाती, तीसरा पद के लिए तृतीयानुपाती, और बोल सकते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के प्रश्नावली 3 में कवर होगा, तीनों टॉपिक से। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती ज्ञात करना। इसके नाम से ही समझो, ये चतुर्थानुपाती है, तृतीयानुपाती, और दो नंबर दिया रहेगा उसके बीच में, अगर ज्ञात करने के लिए बोला तो मध्यानुपाती। क्लियर है? हम लोग सबसे पहले इसको बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले चतुर्थानुपाती देखते हैं। आपके बुक में उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है। इसमें दिया है 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ज्ञात करना है, ठीक है, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, माना कि चतुर्थानुपाती को ही मान लेते, पता नहीं है तो चतुर्थानुपाती एक्स है। ठीक है, चतुर्थानुपाती एक्स मीन्स क्या हो जाएगा? 7, 3, 21 और एक्स होगा। अगर मैं इसको समानुपात, मींस ये दो अनुपात है, ये एक अनुपात हुआ, ये एक अनुपात, दोनों अनुपात का तुलना करूंगा तो समानुपात के फॉर्म में कैसे हो जाएगा? 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात x होगा। क्लियर है यहां तक? फिर इस अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको मैं लिखूंगा 7/3, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और आगे ये क्या हो जाएगा? 21/x। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? इसके बाद हर एक क्वेश्चन, चाहे हम लोग इसको निकाले मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, किसी को भी निकाले, ऐसा इंटरफेस आया, मीन्स क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहां का इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 7x/3 का 21 के साथ कर दो, तो 21 × 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7x/3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 होगा, गुणा कर दिया 21 और 3 का, तो x का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इस 7 का पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? 63/7।
क्लियर है यहाँ तक? फिर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको कटा दो, 7 एकम 7 और ये कट जाएगा 7 निया 63, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। अतः हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थानुपाती 7 3 21 का अतः 7 3 21 का चतुर्थानुपाती 9 होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तृतीयानुपाती के लिए हम लोग कोई एक प्रश्न ले लेते हैं आपके बुक से, उदाहरण नंबर 12। किसको ले लिया मैं? उदाहरण नंबर 12 को तृतीयानुपाती ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है 8x y व 4x2 y का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, 8x y व 4x2 y का हम लोग को तृतीयानुपाती है। सिमिलरली वैसे ही बनाएंगे इसके भी सॉल्यूशन में। माना कि तृतीयानुपाती x है, ठीक, तब क्या हो जाएगा? तृतीयानुपाती मतलब तीसरा पद के बारे में बोल रहे हैं ना। पहला पद क्या दिया हुआ? 8x y, 4x2 y, और तीसरा पद हो जाएगा हम लोग का x। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग समानुपात के फॉर्म में लिखते हैं ये वाली स्टेप के जैसे, तब क्या हो जाएगा? 8x y अनुपात 4x2 y होगा। अब इसका इसके साथ तो तुलना होगा और इसका इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो 4x2 y अनुपात x। यहाँ देखो सब में एक्स है, तो मैं इसको इसका नोटेशन को चेंज कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं के, तो यहाँ भी के हो जाएगा और यहाँ भी के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या किए थे हम लोग उस वाले में? अपॉन में लिखे थे, बटा में लिखे थे, तो यहाँ भी वही कर लो। 8x y बटा हो जाएगा 4x2 y। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो बराबर लिख लिया, 4x2 y बटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो कट रहा है उसको कटा दो, तो कट रहा है क्या ऊपर नीचे? यहाँ से 1 y कैंसिल, यहाँ से 1 y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल और यहाँ से 1 x कैंसिल। ऊपर में सिर्फ बचेगा 8 और नीचे में बचेगा 4 और 2 x था, तो क्या कटा है? 1 x बस कटा है, तो बचेगा x बराबर, यहाँ से तो कुछ नहीं कटेगा, 4x2 y बटा के। इसके बाद क्या करना है? ये वाला इंटरफेस अगर क्या करना हूँ बोला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरिया गुणा कर देंगे हम लोग, तो इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 8 के बराबर, फिर इसका इसके साथ 4x2 y गुणा हो जाएगा 4x का। तो k का वैल्यू निकालना, इसलिए 8 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। पहले इसका गुणा कर दो, तो 4 चौक 16 और x की घात 3 y, और यहाँ से मैं किसको भेज दूंगा? 8 को, तो ये अपॉन में चला गया 8, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा k बराबर 2x की घात 3 y। अतः हम लोग लिख सकते हैं तृतीयानुपाती क्या होगा? 2x की घात 3 y होगा। क्लियर है ये दोनों टॉपिक, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती देख लिए हम लोग। उसके बाद अगला देखते हैं मध्यानुपाती ज्ञात करने वाला। तो मध्यानुपाती के लिए आपके बुक से देखते हैं उदाहरण नंबर 11। इसमें दिया है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 6 और 54 का मध्यानुपाती हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखो क्या करेंगे, सिमिलरली उसी क्वेश्चन के जैसे करेंगे। माना कि मध्यानुपाती एक्स है, क्लियर है, तब क्या हो जाएगा? मध्यानुपाती मतलब बीच वाला को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x और 54। अब अगर समानुपात के फॉर्म में लिखे इसको पिछले क्वेश्चन जैसे, तो ये एक्स का तुलना इसके साथ भी होगा और एक्स का अनुपात इसके साथ भी होगा। ठीक है, एक्स का अनुपात 6 के साथ भी बनेगा और एक्स इसी बीच वाले का अनुपात 54 के साथ भी बनेगा, फिर जाके उसका तुलना करेंगे तो समानुपात के फॉर्म में आए। तो इसको लिख सकता हूँ 6 अनुपात x समानुपात
एक्स अनुपात 54। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या किए थे, अनुपात को बटा में समानुपात को बराबर के चिन्ह में लिखेंगे, तो 6/6 हो जाएगा ये एक्स बराबर एक्स बटा 54। फिर क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर किए थे, तिर्यक गुणा हुआ था ना ये वाली स्टेप में, तो अभी भी कर दो, 6 और किसका हो जाएगा 54 का, और यहाँ एक्स की घात 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स और एक्स का गुणा हुआ था, एक्स की घात 2। फिर इसको गुणा कर दो तो 6 चौक 24 की 4 हासिल रहेगा 2, 6 5 32, 32। क्लियर? ये एक्स स्क्वायर का। अब हम लोग को सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर का, एक्स की घात 2 का तो नहीं चाहिए ना, हम लोग को एक्स का वैल्यू चाहिए, हम लोग एक समान है। तब क्या करेंगे, पावर को हम लोग क्या करेंगे, घात को पक्षांतर करेंगे, तो किस में आ जाएगा, करणी में 324 हो जाएगा और एक्स की घात सॉरी एक्स हो जाएगा उधर। अब इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो इधर मैं साइड में रफ वर्क कर देता हूँ, वर्गमूल विधि से निकाल लेते हैं, 2 से चला जाएगा क्योंकि 4 है सम संख्या, 2 एक कम 2, 1 बाकी है वो इस 2 के सामने लग जाएगा, कितना हुआ 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। क्लियर है ना, मैं क्या क्यों 2 एक कम 2 किया हूँ, और देखो 3 में से 2 चला गया तो 1 बाकी है, वो 1 किसके सामने लग जाएगा, इस 2 के सामने, मतलब वो कितना बन गया 12, तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। क्लियर? अगला स्टेप, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, फिर डायरेक्ट 9 से चला जाएगा, 9 नौ 81 और 9 एक कम 9। ये अब देखो, ये एक जोड़ी बना, ये एक जोड़ी, तो इसमें से एक बाहर निकालो 2, और इस जोड़ी में से एक बाहर निकालूंगा 9, तो हो जाएगा 18। मीन्स इस अंडर रूट 324 का मतलब हो जाएगा 18। ठीक, हम लोग लिख सकते, अतः 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 होगा। क्लियर है? तीनों टॉपिक्स आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के प्रश्न वाले से। आप लोग एक काम करना, आप लोग आपकी बुक से उदाहरण नंबर 13, 17 और 18 ये तीनों क्वेश्चन मस्ट देख ही लेना। ठीक है, कौन कौन सा, 13, 17 और 18 तीनों इंपॉर्टेंट लगा लो, ये उदाहरण है। ठीक, तीनों उदाहरण को आप लोग एक बार करके जरूर देखना। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, फिर उसका आप हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आपके बुक से प्रश्नावली 3 से पहला प्रश्न। ठीक, प्रश्न है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, बोल रहा है 783 रुपये। 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये। ठीक है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है, तो 2214, मतलब 2214 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेगी करके पूछ रहे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना कि एक्स पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों का मूल्य कितना हुआ है 2214 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना दिया है, मैं एक्स को माना हूं। ठीक, इसको लिख कैसे सकते हैं, 29 पुस्तक का मूल्य कितना है 783 रुपया, बराबर एक्स पुस्तकों का मूल्य कितना है 2214 रुपये। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो अनुपात को हम लोग किस में लिखते हैं, बटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 29/783 बराबर, ये हो जाएगा x/2214। क्लियर? फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कर दो इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 29। हम लोग को x का निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको बस भेज देता हूँ मैं, 214 और अपान में हो जाएगा 783 बराबर x। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसको कट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब इसका वैल्यू आ जाएगा 82। ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं अतः 82 पुस्तकों का मूल्य 2214 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2
आपके बुक से, यदि 14:35 समानुपात 16:1 है तो क्या करना है, एक्स का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान क्या है उसको निकाल। ये तो चतुर्थानुपाती में ऑलरेडी गिवन है, इसको दिया है करके लिख दो सॉल्यूशन में एक बार। ठीक, क्या दिया हुआ है, 14:35 समानुपात 16:1, यही दिया हुआ है। हम लोग को सबको पता है, आप सब लोग को, कि अनुपात को हम लोग किस में लिखते हैं, बटा में। तो ये हो जाएगा 14/35 बराबर, समानुपात को हम लोग बराबर के साइन में लिखते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 16/x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 14x बराबर 16 गुणित हो जाएगा 35। ठीक है यहाँ तक। फिर x का वैल्यू निकालना, इसलिए क्या करेंगे, 14 का पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 गुणित 35 बट्टा हो जाएगा 14। ठीक है, इस 14 को मैं क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। यहाँ गुणा में था वो, उसको राइट हैंड साइड भेजा तो किस में चला गया, भाग में। अब किससे कर कटा सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 5 35। क्लियर है। तो ये हो जाएगा x बराबर 16 गुणित 5 बटा 2। और कोई कटेगा क्या, हाँ ये 2 1 2 2 8 16, मीन्स ये 8 गुणित 5 हो जाएगा। और दोनों का जब गुणा करेंगे तो 8 5 40 लिख सकते हैं, अतः x का मान क्या होगा, 40 होगा। क्लियर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपके बुक से, प्रश्न वाली 3 से देख ही रहे। दिया है 2xy और दिया है x² और दिया है y² का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती वाले प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके, इससे पहले डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका चतुर्थानुपाती में कैसे लिखेंगे, माना कि चतुर्थानुपाती क्या है, माना कि चतुर्थानुपाती x है, तब देखो क्या होगा, 2xy x² y² चौथानुपाती, चतुर्थानुपाती हम लोग क्या माने, x। देखो अभी इसमें सभी में x y है, तो मैं इसको कुछ दूसरा मान लेता हूँ, जैसे कि पिछले में माने थे k, तो इसमें भी मान लेता हूँ मैं k। ठीक है, अब इसको अगर समानुपात के अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2xy अनुपात x² समानुपात y² अनुपात के होगा। ठीक है, अब इस अनुपात वाले को किस में लिखूंगा, बटा में, तो 2xy बटा हो जाएगा x² = y² / हो जाएगा के। क्लियर है यहां तक। फिर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तो कर दो तिर्यक गुणा इसका, 2xy * हो जाएगा के बराबर x² y². ठीक है, अब k का वैल्यू निकालने, इसलिए k को रोक दो और बाकी को क्या कर दो, पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा x² y² / में हो जाएगा 2xy। क्लियर, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से एक y, यहाँ से एक y, तो बचेगा क्या, k = हो जाएगा xy / 2, यही हो जाएगा आंसर। लिखेंगे अतः इसका और इसका चतुर्थानुपाति कितना है, xy/2 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं, मीन्स ये बड़ा नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर वाला में, उसमें डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करना, बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सबको करोगे तभी जाके चौथा समझ आएगा, ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, चौथा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको करोगे तब जाके चौथा समझ आएगा, है ना। देखो इसमें क्या दिया है, संख्याएँ 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। दिया क्या क्या है, 10, 18 और दिया है 22, 38,
बोल रहे हैं कि ये नंबर जो दिया है 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़े करके, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं, माना कि दिए गए संख्या में x जोड़ने पर समानुपाती होगा, ठीक? तब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, क्या जोड़ेंगे, जितना भी संख्या दिया है उसमें x जोड़ देंगे तो समानुपाती हो जाएगा, बोल रहे हैं। तो 10 प्लस x ये किसके अनुपात में होगा, 18 प्लस एक्स समानुपात 22 प्लस एक्स अनुपात 38 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो इसको लिख दो बटा में, 10 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है? इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू 22 प्लस एक्स, और ये अनुपात है तो बटा 38 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, ऐसे वाला इंटरफेस आता है तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम स्टेप मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स मीन्स स्टेप। ठीक, 10 प्लस एक्स और इसका गुणा हो जाएगा 38 प्लस एक्स, इक्वल है तो इक्वल, फिर 22 प्लस एक्स और इसका हो जाएगा गुणा 18 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गुणा में? अब आ गया हम लोग के पास एक नया, क्योंकि पहले अध्याय में ऐसा पढ़े थे, उसके बाद पहले अध्याय के पहले प्रश्न वाली के बाद ये ऐसा हम लोग के बाद फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। ऐसा जब रहता है तब क्या करते हैं, पूरे कोष्टक का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, मतलब 10 के साथ करेंगे फिर एक्स के साथ। सिमिलरली इस वाले पूरे कोष्टक का गुणा पहले 22 के साथ फिर एक्स के साथ करेंगे। देखो कैसे, क्या बोला हूँ, इस कोष्टक का गुणा इसके साथ करेंगे 10 के साथ, तो 10 का गुणा हो जाएगा 38 प्लस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, और इस एक्स के साथ भी हो जाएगा गुणा किसका, 38 प्लस एक्स का, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख दिया। अब क्या करूँगा, इस पूरे कोष्टक का गुणा इसके साथ होगा, किसके साथ, 22 के साथ, तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स, प्लस है तो प्लस, फिर इस एक्स के साथ भी हो जाएगा तो इसको लिख दो 18 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर दो, तो 10 का 38 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 380 प्लस 10 का एक्स के साथ होगा तो 10x, ये वाला प्लस है तो प्लस, फिर इस एक्स का 38 के साथ होगा तो 38x, प्लस है तो प्लस, एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स की घात दो। क्लियर है? बस अंदर गुणा कर देना है। सिमिलरली साइड भी करो, 22 का 18 के साथ गुणा होगा तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल आया 2, फिर 18 दूनी 36 37 38 मतलब 386। क्लियर है? फिर प्लस है तो प्लस, फिर 22 का एक्स के साथ गुणा होगा तो 22x, प्लस है तो प्लस, इस एक्स का 18 के साथ होगा तो 18x प्लस एक्स की घात 2। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, सबको एक साइड ले आओ, मीन्स बराबर की एक साइड पूरे टर्म्स को ले आओ। उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, घट रहा है उसको घटा देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं और घट रहा है उसको घटा देते। तो 380 अकेला है, मीन्स बिना एक्स वाला सेम अकेला है ना, इसलिए 380 लिख दिया प्लस। अब एक्स की घात दो वाला ये भी अकेला है, उसको रहने दो, ये 10x और ये 38x, दोनों के सामने प्लस चिन्ह है मतलब जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है। तो 38 10 हो जाएगा 48x प्लस ये हो जाएगा एक्स की घात दो बराबर। इस साइड भी 386 अकेला है तो उसको 386 को लिख दे। फिर 22x और 18x आपस में जुड़ जाएगा तो 22 और 18 हो जाएगा 40x प्लस हो जाएगा एक्स की घात दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या करो, सबको एक साइड ले आओ, 380 प्लस 48x प्लस एक्स की घात दो है और उसको ले आओ,
इसको लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, -386 फिर प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 40x, और माइनस एक्स की घात 2 = 0, उससे कुछ नहीं बचा मतलब 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये नंबर और नंबर आपस में घट जाएगा क्योंकि एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस है। अगर 380 में मेरा 386 घटेगा तो बचेगा कितना, -16 बचे, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में इसलिए -16 बचे। अब देखो ये और ये तो आपस में कट जाएगा, एक्स की घात 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब बचा क्या, +48 और -40x, दोनों के सामने साइन अलग है, चिन्ह अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा, और बड़ा संख्या के सामने प्लस चिन्ह इसलिए प्लस में क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो 48 में 40 घटेगा तो बचेगा 8x = 0। 8x को रहने देते हैं और 16 का क्या कर देते हैं, पक्षांतर। 16 उस साइड किस में है, माइनस में, और इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू निकालना है तो इस 8 का पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा इस तरीका से 16/8 हो जाएगा। फिर 8 × 1=8 और ये हो जाएगा 8 × 2 = 16। इस तरीका से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। हम लोग लिखेंगे कि दिए गए संख्या में 2 जोड़ने पर समानुपाती होगा। क्लियर है?